हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो हमने 275 तक प्रश्न कर लिए थे, आज हम फिर 25 प्रश्न करेंगे और एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी के लिए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 276, 276। सामगान के अंतर्गत गाए जाने वाले गीत का उपसंहार या अंतिम भाग क्या कहलाता है? प्रतिहार, विकार, हुंकार या निधन? सही आंसर होगा इसका डी, निधन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 277, सामगान में गीत का उपसंहार या अंतिम भाग कौन गाते हैं? प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता या तीनों मिलकर? सामगान का अंतिम भाग, तो इसका डी आंसर सही होगा, तीनों मिलकर गाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 278, सामगान की पंचविध भक्ति के चौथे चरण प्रतिहार का द्वितीय भाग क्या कहलाता है? इंड, उपद्रव, इंडा या अथ? जिसका ये प्रश्न सही हो मुझे कमेंट करके बताना कि आपका ये प्रश्न सही है, आपने इसका आंसर सही दिया है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा बी, उपद्रव। सामयिक निधन के कितने प्रकार होते हैं? दो, चार, तीन या पांच? सामयिक निधन के कितने प्रकार होते हैं? इसका सही आंसर है सी, तीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 280, सामगान के संदर्भ में द्विक्षर हिषि स्वर क्या है? प्रतिहार का एक भाग, सामीर निधन का एक प्रकार या सामंतिक निधन का एक प्रकार? इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा बी, ठीक है, सामीर निधन का एक प्रकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 281, वैदिक काल में नटों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? सैलूष, नट, सूत या मांगद? सही आंसर उसका ए होगा, शैलूष, ठीक है। नटों के लिए वैदिक काल में शैलूष शब्द का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 282, रामायण काल में वैसे गायक जो अपने गायन के साथ ताल का भी कुशलता से प्रयोग करते थे क्या कहलाते थे? बंदी, कुशीलव, मागध या बैतालिक? क्या बोला गया है कि रामायण काल में, ठीक है, गायक जो अपने गायन के साथ ताल को भी अच्छी तरीके से जानते थे, ठीक है, तो वो हो जाएगा डी, इसका आंसर होगा बैतालिक। क्वेश्चन नंबर 283, रामायण काल में
स्तुति गान करने वाले चरण क्या कहलाते थे? सूत, कुशीला, वैतालिक या मागद? रामायण काल में जो स्तुति गान करते थे उसे कहते थे कुशीलव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 284। राग दरबारी कांधड़ा के अवरोह में वर्जित स्वर है म, नी, ध और प। सी आंसर इसका सही है ध। राग दरबारी कान्हा में अवरोह में क्या क्या वर्जित है? तो ध वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 285। राग खमाज का वादी संवादी है साम, गनी, साप या रेप? सही आंसर इसका बी होगा गनी। क्वेश्चन नंबर 286। राग खमाज के गाने का समय है प्रातकाल, रात्रि का द्वितीय प्रहर, सायंकाल या मध्य रात्रि? इसका सही है सी सायंकाल। ठीक है, राग खमाज के गाने का समय सायंकाल है। क्वेश्चन नंबर 287। राग मारवा का वर्जित स्वर है ध, प, म या नी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी प। और ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, राग मारवा का वर्जित स्वर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना प है। राग शुद्ध कल्याण का वादी समाधि है ग, ध, गनी, रेप या मसा? देखो आप, आपको अगर अपने राग को लेके, है ना, राग को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके लिए आपको एक चार्ट तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप एक जो आता है ना चार्ट, जो हम बचपन में यूज करते थे स्कूल सब में, उस टाइम तो 2 रुपए का आता था, अब पता नहीं कितने का आता है, 5 रुपए का आता था उसके बाद। तो आप इस तरीके से इधर राग लिखोगे, इधर आप ऐसे ब्रैकेट बना के यहाँ पे ठाट, समय, जाति ये सब लिख के उसे आप जहां सोते हो वहां पे आप चिपका लीजिए, उससे आपको रागों की ज्यादा नॉलेज होगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप, ज्यादा रागों की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 50 राग कर लीजिए, चार्ट में आ जाएंगे आराम से। सही आंसर होगा इसका ए गध। राग शुद्ध कल्याण का वादी समाधि गध है। क्वेश्चन नंबर 289। राग गौड़ मल्हार किस थाट का राग है, बिलावल, काफी, भैरव या कल्याण? काफी, गौड़ मल्हार जो है वो काफी थाट का है। क्वेश्चन नंबर 290। राग गौड़ मल्हार में वादी संवादी है प सा, ध ग, म सा या रे ग? मैंने जितने भी अभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेके मैंने अलग से जो थंबनेल बनाया है, जितने भी जो वीडियोस बनाई है, क्लास दी है, उसको आप अच्छे से कर लेना, वो सारे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप वो जरूर करना, मैं आपके लिए ही कह रहा हूं। इसका सही आंसर होगा सी मसा। राग गौड़ मल्हार
मेवादी संवादी मासा है। क्वेश्चन नंबर 291, राग मियां मल्हार के अवरोह में वर्जित स्वर है ग, प, रे या ध। डी आंसर इसका सही है ध। राग मियां मल्हार में अवरोह में क्या वर्जित है, तो ध वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 292, मुल्तानी राग की जाति है औड़व साड़व, साड़व साड़व, औड़व संपूर्ण या साड़व संपूर्ण। सी आंसर सही है औड़व संपूर्ण। मुल्तानी राग की जाति क्या है, औड़व संपूर्ण। राग 293, अड़ाना राग किस ठाट का राग है आसावरी, भैरवी, मारवा या काफी। अड़ाना नेट में बहुत पूछा जाता है, नेट के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और खमाज, विहाग, भैरव, ये सब राग टीजीटी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देखो जो फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक जो होते हैं ना राग, वो आपके टीजीटी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और फिर फोर्थ से सिक्स्थ ईयर तक जितने भी राग आते हैं वो पीजीटी में पूछे जाते हैं, ठीक है। और एमए में जितने आते हैं आपके, वो नेट में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये याद रखना। बाकी पूछा कहीं से भी जा सकता है, लेकिन एक जो ज्यादातर जो देखा गया, आप जैसे देखो विहाग हो गया आपका, खमाज हो गया, ये सब टीजीटी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आप नोटिस करना है। जैसे अड़ाना है ये आपका एमए में पूछा जाता है। ठीक है, अड़ाना राग किस ठाट का है, तो ये है आसावरी ठाट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 294, राग तोड़ी के गायन का समय क्या है प्रातकाल, रात्रि का अंतिम प्रहर, दिन का दूसरा प्रहर या रात्रि का प्रथम प्रहर। तो इसका सी आंसर होगा दिन का दूसरा प्रहर। तो राग जो तोड़ी है उसका गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। क्वेश्चन नंबर 295, राग बिलावल में स्वर लगते हैं कोमल, ग, नी, शेष शुद्ध स्वर, तीव्र मध्यम शेष शुद्ध, सारे शुद्ध स्वर या कोमल रे ध शुद्ध स्वर। तो सी आंसर इसका सही होगा सारे शुद्ध स्वर। राग बिलावल है, ये किस में पूछा जाएगा, टीजीटी में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। राग यमन का वादी संवादी है ध, ग, प, रे, ग, नी या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको अपना राग सही करना है, ठीक है, अगर आप मतलब की ना होता है जैसे राग आपका ज्यादा अच्छा नहीं है, सारी यूनिट आपकी अच्छी है, राग अच्छा नहीं है आपका, मतलब कि याद नहीं रहता कि किसका वादी है, किसका संवादी है, संप्रगति राग कौन सा है, इसका जाति कौन सी है, ठाट क्या है, ये सब याद नहीं रहता, उसके लिए आप चार्ट का ही, चार्ट से आपको ज्यादा याद रहेगा, है ना। देखिए जहां पे आप सोते हो वहां पे आप लगा दोगे तो आप डेली उसे एक बार पढ़िए आप डेली, तो आपको याद रहेगा। इसका सी आंसर सही है गनी। राग यमन का वादी संवादी गनी है। क्वेश्चन नंबर 297, राग भोपाली
राग भूपाली का संप्रकृतिक राग है बागेश्री, यमन, सोहनी, देशकार। डी आंसर इसका सही है देशकार। क्वेश्चन नंबर 298, राग भूपाली में वर्जित स्वर है रेधा, मणि, ग, प या इनमें से कोई नहीं। बी आंसर इसका सही है मणि। राग भूपाली में वर्जित स्वर कौन सा है मणि। क्वेश्चन नंबर 299, राग आसावरी का संप्रकृतिक राग है देश, जौनपुरी, भोपाली या भैरव। बी आंसर सही है जौनपुरी। आज का अंतिम प्रश्न, राग आसावरी में कोमल स्वर लगते हैं रे, ग, नी, ग, धनी, रे, धनी, इनमें से कोई नहीं। तो बी आंसर इसका सही होगा ग, ध, नी। तो ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम पे काफी लोग 500 के करीब बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर आपको जुड़ना है तो आप भी वहां से जुड़ सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, वो मैंने पहले दे दिए हैं वहां पे, और बहुत पहले मैंने वहां पे भेजे थे बुक्स के लिए। तो बुक्स भी मैंने पीडीएफ काफी मैंने वहां उस पे टेलीग्राम पे भेज रखे हैं। कोई क्वेश्चन होता है वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और थ्योरी के लिए बच्चे बोल रहे हैं तो थ्योरी के लिए मैं बहुत जल्दी थ्योरी लाऊंगा। अभी टाइम नहीं मिल पा रहा तो इसलिए मैं थ्योरी नहीं ला पा रहा, लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा मैं थ्योरी के लिए लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो आपसे टेंशन ना ले, जब बोल दिया तो फिर जरूर करूंगा। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रिपरेशन के साथ जबरदस्त रहिए। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।